जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप इंडियन आर्मी की रैली भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन किए हैं, ये आपका अप्लाई ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है कंफर्म देखेंगे। मतलब कि मान लिया जाए कि आप इंडियन आर्मी की रैली भर्ती के लिए आवेदन कर दिए हैं कोई सा भी साइबर कैफे में जाकर, या आप अपने मोबाइल से ही किए हैं, या कोई भी आपका फ्रेंड किया है, और उसके बाद आप कन्फर्म हो गए कि हम तो वो साइबर कैफे में जाके इंडियन आर्मी की रैली भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर दिए हैं। फिर आपका नेक्स्ट महीना में रैली भर्ती होने वाला है, पता चला कि नेक्स्ट महीने में आपका रैली भर्ती होने वाला है, उसके बाद आप एडमिट कार्ड निकालने गए तो वहां पे आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस आप साइबर कैफे या जहां से भी या खुद से भी आप अप्लाई ऑनलाइन किए थे तो वो सही ढंग से नहीं किए थे, मतलब कि आपका अप्लाई ऑनलाइन नहीं हुआ था, तो ये आपका रिक्स वाला काम हो जाता है। इसीलिए आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी हम इंडियन आर्मी की रैली भर्ती के लिए आवेदन दिए हैं, अप्लाई ऑनलाइन किए हैं, वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये बिल्कुल ही आसान है तरीका, आप अपने मोबाइल से घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको चेक कैसे करना है कि आपका इंडियन आर्मी रैली भर्ती का अप्लाई ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है, पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए आपके अपने मोबाइल या सिस्टम या लैपटॉप के गूगल ब्राउज़र पे आना पड़ेगा, और गूगल पे आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ेगा ज्वाइन इंडियन आर्मी। ये मैं लिख रहा हूँ ज्वाइन इंडियन आर्मी। ये लिखने के बाद आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यह आपकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक के बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे ज्वाइन इंडियन आर्मी का जाने के लिए वेबसाइट पे इस जगह पे आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। ये आपको डिजिट जो लिखा हुआ है, ये डिजिट आपको इस जगह पे फिल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये डिजिट को फिल कर रहा हूँ, 710 हो गया, और उसके बाद आपका 110 हो गया, फिर आपका हो गया 491। ठीक है, ये कैप्चा फिल हो गया, और उसके बाद आपको इंटर वेबसाइट पे क्लिक करना पड़ेगा। इंटर वेबसाइट पे मैं इंटर वेबसाइट पे भी क्लिक कर दिया। ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है, जस्ट आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना पड़ेगा, बिल्कुल ही सिंपल और आसान है। स्क्रॉल करते हुए जैसे ही आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, JCO/OR अप्लाई लॉगिन। इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ई ना कि आपको ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पे क्लिक करना होगा, इस पे आपको नहीं क्लिक करना है, आपको JCO/OR अप्लाई लॉगिन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। देन आपका इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप इस पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इस जगह पे देख पा रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी नया पंजीकरण। जो भी कैंडिडेट ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कैंडिडेट इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में पहली बार अप्लाई ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसके पहले क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हर एक साल इंडियन आर्मी की रैली भर्ती जैसे ही नोटिस की जाती है आपकी ARO के लिए, उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको क्या करना होता है, वो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यानी जो कैंडिडेट अगर इंडियन आर्मी में पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो उसके पहले एक बार उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो यहां से आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। तो बहरहाल छोड़िए, उसके बाद हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपका अप्लाई ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन किए होंगे तो ऑलरेडी तो आप रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के दौरान यहाँ पे आपका ईमेल आईडी फिल करना होगा, जो आप जिस रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी दिए थे। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना होगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी भी है और पासवर्ड भी फिल है। उसके बाद कैप्चा, ये वाला कैप्चा इस जगह पे फिल करना पड़ेगा। ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ये आपका ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख पा रहे इस जगह पे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के जस्ट आपके सामने में पूरा आपका डिटेल्स देखने को मिल रहा होगा, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, JRO, ARO, हाइट, वेट, जितना भी आपका पूरा डिटेल्स इस जगह पे आपको देखने को मिल रहा होगा। आपका जितना भी यहाँ पे ऑलरेडी पहले इन्फॉर्मेशन दिए है अप्लाई ऑनलाइन जब किए थे, वो आपका डिटेल इस जगह पे देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पे जितना भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये
चीज़ बतला रहा हूँ वो मैं उचित नहीं समझता हूँ अपना इन्फॉर्मेशन दिखाना, इसीलिए यहाँ पे ब्लर या आपको यहाँ पे हाइड कर दिया गया है। और देखिए उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आपको आना पड़ेगा, डैशबोर्ड में ही आपको आना पड़ेगा चेक करने के लिए कि आपका रैली भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन हुआ है कि नहीं। तो डैशबोर्ड में आने के बाद आपको थर्ड नंबर पे आना पड़ेगा, फर्स्ट में आपका माय प्रोफाइल है, सेकंड में आपका अप्लाई ऑनलाइन है और थर्ड में आपका हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन है। इस पे आने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा, मैं इसे क्लिक कर दिया, ये आपका ओपन हो गया हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशंस। इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो कैंडिडेट जितने बार भी यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन किए हैं इंडियन आर्मी के लिए, इस जगह पे पूरा सीरियल वाइज नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट और भी चार पांच बार जो अप्लाई ऑनलाइन किए हैं तो यहाँ पे और भी चार पाँच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख पड़े इस जगह पे कि आपको अप्लाई ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे समझ में आएगा, कैसे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कैंडिडेट इस स्टेट के लिए ऑनलाइन किए थे, सोल्जर टेक एवीएन एएमएन एग्जामिनर के लिए, ये आपको डेट में अप्लाई ऑनलाइन किए थे 26/1/2021 6:05 AM में ये अप्लाई ऑनलाइन किया गया था। और उसके बाद यहां पे देख पा रहे हैं कि इस जगह पे आपको स्टेटस में आना पड़ेगा, स्टेटस में आने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ है कि नहीं। अगर आपका सबमिटेड लिखा हुआ है मतलब कि आपका अप्लाई ऑनलाइन हो चुका है, और सबमिटेड आपका नहीं है मतलब कि आपका अप्लाई ऑनलाइन नहीं लिखा। लेकिन जब भी आप अप्लाई ऑनलाइन किए होंगे एक दिन या दो दिन, तो जाहिर सी बात है कि आपका यहाँ पे एक कैंसिल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला में, और एक आपका सबमिटेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अभी जो जिस फॉर्म के लिए अप्लाई ऑनलाइन किए नोटिस जारी किया गया वो हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन देखा जाएगा। लेकिन मैं जो एआरओ से बिलोंग करता हूँ वो अभी अप्लाई ऑनलाइन नहीं हुआ है, ये बहुत पहले अप्लाई ऑनलाइन कर चुका हूँ मतलब 26/1/2021 के, इसीलिए अभी वो अप्लाई ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ये आपका कैंसिल का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अप्लाई ऑनलाइन होगा तो आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर दिए, अप्लाई ऑनलाइन हो भी रहा है और अप्लाई ऑनलाइन कर भी दिए है, इसीलिए तो आपको चेक करना है कि आपका हुआ है कि नहीं। तो जब आप अप्लाई ऑनलाइन कर दिए हैं और आपका हो भी रहा है जो भी आपका 10-15 दिन टाइम है, तो यहाँ पे आपको एक कैंसिल का ऑप्शन देखने को मिलेगा ये वाला में। तो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो इस जगह पे आप कैंसिल कर सकते हैं जब आपका अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है तो। और ऑलरेडी आप अप्लाई ऑनलाइन कर लिए हैं और यहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है मतलब कि आपका अप्लाई ऑनलाइन हो चुका है और कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपको ये वाला पे क्लिक करना होगा जब आपकी रैली भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन हो रही होगी, तब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो आप जितने बार भी अप्लाई ऑनलाइन किए हैं या जब भी आप अप्लाई ऑनलाइन किए होंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको डेट देखना पड़ेगा, और डेट के बाद आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सबमिटेड लिखा हुआ है कि नहीं। सबमिटेड लिखा गया मतलब कि आपका अप्लाई ऑनलाइन हो गया, चाहे आप जिस जगह पे भी अप्लाई ऑनलाइन किए हैं, जहाँ से भी, जो भी साइबर कैफे यार फ्रेंड जो भी आपका हो गया, तो इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। अगर आप ये कन्फर्म नहीं करते हैं तो कोई बाय द वे आपको सही से अप्लाई ऑनलाइन नहीं किए या नहीं किए, तो आपको तो ये पता रहेगा कि भैया हमको नेक्स्ट महीने में रैली भर्ती होने वाली है, आप तैयारी भी किए पूरा मेहनत भी किए लेकिन वो अप्लाई ऑनलाइन नहीं किया, ये किसी कारण हो गया नहीं आपका हुआ, तो आपका तो रैली भर्ती बेकार हो जाएगा। इसीलिए आपको जहाँ से भी आप रैली भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन करवाएं या खुद से किए हैं, तो उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको सबमिटेड का ऑप्शन देखना पड़ेगा, सबमिटेड है मतलब कि आपका अप्लाई ऑनलाइन हो चुका है। देन मैं बैक हो जा रहा हूँ। बैक होने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड में कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, ये आपको ऑप्शन में माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल देखने को मिलेगा, जितना भी आपका प्रोफाइल है इंडियन आर्मी में, जो आप अप्लाई ऑनलाइन किए, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दिए, और आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं और आपका अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं, चेंज पासवर्ड ईमेल आईडी का, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे देख पा रहे एडमिट कार्ड आपको निकालना है या चेक करना है तो आपको एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ये आप ऑलरेडी पहले जिस भी जगह के लिए पहले से मतलब आपका वो रैली भर्ती हो चुका है तो भी आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा पीडीएफ में, बल्कि यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ के माध्यम से आप पीडीएफ निकाल के और उसके बाद प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे एफिडेविट यहीं से निकाला जाता है, जो आपका अनुमंडल से बनता है, तो यहाँ से निकालने के बाद आपको अनुमंडल में लेके जाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे आपका जो भी आपका साइन मुहर होता है वो आपका अनुमंडल के माध्यम से होता है, यहाँ से एफिडेविट निकालना जरूरी होगा आपको जब भी रैली भर्ती में। बाकी आपका ये ऑप्शन है फीडबैक क्यूरी, और उसके बाद आधार वेरिफिकेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं।
आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ समझ में आ गया हो कि आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई ऑनलाइन किए हैं तो वो कैसे पता चलेगा कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन सही से समझ गए तो आप अपने साथी को भी बताइए ताकि उन्हें कन्फर्म हो जाए कि जो भी हम रैली भर्ती के लिए आवेदन दिए हैं उसमें हम जा भी सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये सब कुछ का भी मतलब समझ में आ गया होगा। बाकी माई प्रोफाइल या और भी आप कुछ चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।